उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आदमखोर भेड़िए का आतंक बरकरार है और आज एक बार फिर भेड़िया न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुआ है। बहराइच जिले की महसी विधानसभा क्षेत्र के सिसैया चूरा मणि इलाके में आज फिर आदमखोर भेड़िया देखा गया है, जिसकी तस्वीरें हमारे सहयोगी ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली और तत्काल इसकी जानकारी वन विभाग की टीम को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके की सर्चिंग शुरू कर दी है। एक बार फिर आदमखोर भेड़िया मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। न्यूज 18 इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर मौजूद है। वन विभाग को तुरंत इसकी सूचना दी गई है, जिसके बाद वन विभाग ने पूरे इलाके की सर्चिंग शुरू कर दी है। और ये बच्चा पहुंचता है और इस घाघरा नदी के छोटे से नाले को पार करके और इसी इलाके से उस तरफ जाता है जहां पर आदमखोर भेड़िए का बसेरा है। और दो दिन पहले भी यहीं पर एक आदमखोर भेड़िया खेतों में दौड़ता दिखा था, जिसकी तस्वीर ग्रामीणों ने कैद की थी, लेकिन आज एक भेड़िया मेरे कैमरे में कैद हुआ है। यहाँ पर करीब में एक मेरे साथी ने कैद किया है, मेरे पत्रकार साथी ने कैद किया है, उसने मुझे दिया है, क्योंकि वो यहाँ आया था किसी काम से और वो दौड़ता हुआ बड़ा सा एक भेड़िया जो दिखाई दिया है। फॉरेस्ट विभाग के जो ड्रोन कैमरे हैं इसी इलाके में चल रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि अगर कहीं पर वो भेड़िया हो तो उनके कैमरे में आ जाए। हालांकि उन्हें ट्रेस हुआ है, हमें भी वो बता नहीं रहे, लेकिन उनकी पूरी टीम अभी इसी नदी के घाघरा नदी के नाले को पार करके उस इलाके में गई है जहां पर आदमखोर भेड़िए के छुपे होने की जानकारी मिली है। फॉरेस्ट विभाग के लोगों को पूरी टीम गई है, एक जीप में सवार होकर लोग गए हैं और माना जा रहा है कि इसी जगह से अगर वो कहीं भागा नहीं होगा दूर तो इन्हीं गन्ने खेतों में बैठा होगा। मैं कहूँगा सहयोगी से कि ये करीब करके दिखाएं कि देखिए इसी खेत से वो निकला है अंदर से और इसी मचान के पास से होता हुआ इस रास्ते से दूसरी तरफ गन्ने के खेत में चला गया है जहां पर अब उसकी तलाश की जा रही है। माना जा रहा है कि अगर वो यहां से कहीं मोमेंट दूर नहीं किया होगा तो वो हमारे फॉरेस्ट विभाग के लोगों को की पकड़ में आ जाएगा और अगर वो पकड़ा जाता है तो एक बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन चूंकि बीते 10 दिन से दो भेड़ियों की तलाश की जा रही है और दोनों लगातार कहीं ना कहीं नजर आते हैं लेकिन वो अपना मोमेंट चेंज कर देते हैं। आज एक भेड़िया कैद हुआ है, लाइव तस्वीरें हैं। दूसरा भेड़िया दो दिन पहले कैद हुआ था जो इसी तरीके से गन्ने के खेतों में घूम रहा था। गांव वाले परेशान हैं, डरते हैं लोग। हालांकि पूरा प्रशासनिक हमला लगा हुआ है, पूरी फॉरेस्ट विभाग की टीम लगी हुई है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, कई एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, ड्रोन चला रहे हैं, दिन रात कामिंग हो रही है, सर्च ऑपरेशन हो रहा है कि इन दोनों भेड़ियों को पकड़ा जाए जिससे इलाके के लोगों को राहत मिल सके। और इससे पहले महसी तहसील में देर रात भेड़िए ने एक लड़की पर हमला कर दिया। बताया गया कि लड़की अपने घर के आंगन में आई तो वहां घात लगाकर बैठे भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया और पैर पर काट लिया। लड़की के हाथ में उसका मोबाइल फोन था, जिससे उसने भेड़िए को मारा तो भेड़िए ने उसका पैर छोड़ दिया, लेकिन वो थोड़ी दूरी पर ही जाकर खड़ा हो गया, जिसके बाद लड़की ने जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगी। शोर सुनकर लड़की के घर वाले वहां पहुंचे और भेड़िए को वहां से भगाया गया। भेड़िए का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा, एक बार फिर से भेड़िए ने हमला किया है। एक लड़की को इस बार अपना शिकार बनाने की कोशिश उसने की, लेकिन उसके परिवार के लोगों ने उसे वहां से भगा दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन विभाग की तमाम कोशिशें जो हैं इस वक्त नाकाफी साबित होती दिखाई दे रही हैं। महसी तहसील की हम बात करें तो देर रात भेड़िए ने एक लड़की पर यहां हमला किया है। लड़की अपने घर के आंगन में आई थी और उसी वक्त घात लगाकर बैठे भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया, उसके पैर पर काट लिया। हालांकि लड़की ने उस पर पलटवार करने की कोशिश की, उसके हाथ में मोबाइल फोन था, उसने उस मोबाइल फोन के जरिए भेड़िए को मारा। भेड़िए ने उसका पैर तो छोड़ दिया, लेकिन वहीं वो थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ा हो गया, जिसके बाद लड़की के जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने पर उसके परिवार के लोग वहां पहुंचे और भेड़ियों को वहां से भगाया गया। तो एक एक करके ऐसी कई कहानियां सामने आ रही हैं जहां पर भेड़िए का खौफ दिखाई दे रहा है, आतंक दिखाई दे रहा है। भेड़िया ने पीछे से मेरे पैर पर वार किया था, फिर हमारे हाथ में मोबाइल था, मोबाइल से हम उसको मारे थे तो कुछ दूर पर जाकर खड़ा हुआ था, उसके बाद तो पापा को अपने बोले तब वो भागा था। बच्ची केवल अंदर से बाहर गेट पे ही आई तो ही गेट पे उसको हमला कर दिया, पैर में आवाज़ उठाई, फिर संघर्ष भी किया, उसके बाद आवाज़ उठाई, फिर दौड़ के आए तब तक भेड़िया ने भाग दिया जंगल में। वन विभाग की टीम आई थी, बाकी विधायक जी भी आए थे, वीडियो साहब भी थे, सभी लोग आए थे, देखे यहाँ पर, जाँच किए। रात में 12:30 बजे घटना घटी है। राम प्रताप पुत्री जो है प्रीति, रात में घर से आंगन में आई
और शौच के लिए शायद आई होगी, और आने के बाद जो है भेड़िया घाट लगाए बैठा हुआ था, उसने जो है अटैक किया, लेकिन लड़की ने आवाज़ लगाई, उसके पिताजी मौके पर पहुंचे, उसके तब तक भेड़िया छोड़ के भाग। News 18 India चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ News 18 India चौपाल देखिए सिर्फ News 18 India पर।